We want justice. We want justice. We want justice. Abolish nepotism. And favoritism. जी सर बताइए क्या मसला है। रिसेंटली कल शाम को सीओ ऑफिस बारामूला से एटीडी टीचर्स 2023 निकाला गया, जो बाकी अजला में भी निकाला गया। हम ट्रांसफ़र पॉलिसी के बिल्कुल खिलाफ नहीं है, ट्रांसफ़र हमारी सर्विस का एक हिस्सा है और हम चाहते हैं कि ट्रांसफ़र रेगुलरली हो, ईयर बाय ईयर हो। ये गवर्नमेंट का एक बेहतरीन सेटअप है, हम इसकी सराहना करते हैं एज टीचर्स और हम चाहते हैं कि हर साल ये हो। लेकिन बदकिस्मती की बात ये है, ये जो हमारा खासकर हम अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे बारामूला की, यहाँ पर जो ये लिस्ट कल शाम को आया, ये धांधलियों से भरा पड़ा है, फेवरेटिज्म से भरा पड़ा है। कोई क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया गया। जो फॉर्म हमने भरा था ATD ऑनलाइन, उसमें कुछ क्राइटेरिया थे। उसमें सबसे पहला क्राइटेरिया था मेडिकल ग्राउंड्स, उसमें था स्पाउस क्राइटेरिया, किसी दो है अगर फॉर एग्जांपल हस्बैंड वाइफ वो डिपार्टमेंट में है, उनको एक जेन्युइन पोस्टिंग करनी थी, वो क्राइटेरिया वायलेट हो गया है। इसमें ये क्राइटेरिया वायलेट हो गया है कि जो फॉर एग्जांपल जोन 1 में अगर किसी बंदे की ट्रांसफर है, उसको जोन 2 या जोन 3 में रखना था ऑन द बेसिस ऑफ फेवरेटिज्म, ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल अप्रोच। दे हैव वायलेटेड ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दिस ट्रांसफर पॉलिसी, नो रूल इज देयर। इन्होंने क्या किया है, यहां पर जोन 1 में बहुत सारे मैक्सिमम टीचर्स आर, दे हैव बीन placed in zone 1 only, they have not been touched, and there are some teachers who have stay period more than 15 years. This is shame for the department that they have not been touched, and there is no rule followed in this transfer policy. हमारा सिर्फ ये मकसद है कि ये higher authorities हमारी बात सुने। हम तवक्कुल रखते हैं, आज वो वक्त है कि आज एक छोटे से citizen की बात पूरे मुल्क में सुनी जाती है। हम तवक्का करेंगे कि हमारी बात अगर हमारे यहाँ पर LG साहब नहीं सुनेंगे, इंशाल्लाह ये बात आगे तक जाएगी। हमें यहाँ पर कैसे घसीटा जा रहा है इसको बिल्कुल उसी तरह हम ये फिर समझेंगे कि हम उसी पुराने वक्त में हैं, हमारी कोई आवाज़ नहीं सुन रहा। अगर इस वक्त हमारी आवाज़ नहीं सुनी गई, हम ये समझेंगे कि हम अभी उसी डार्क एज में जी रहे हैं जो हम आज से 20 साल पहले जी रहे थे। हमारी बात खुदारा सुनी जाए, हमारे इस मसले को उठाया जाए। अगर वाइट कॉलर करप्शन होगी तो हम कहाँ जाएंगे, हम किसका दरवाज़ा खटखटाएंगे, किसका दरवाजा हम खटखटाएंगे। अगर LG साहब से हम गुजारिश कर रहे हैं, आपके वसातत से हम डायरेक्टरेट से गुजारिश कर रहे हैं, SED से गुजारिश कर रहे हैं, काइंडली लुक इनटू द मैटर। ऐसा ना हो कि एक करप्शन पर एक सफेद कपड़ा पड़ जाए और ये करप्शन व्हाइट कॉलर बन जाए, फिर ये समाज खत्म हो जाएगा। हमारी अगर कोई नहीं आज सुनेगा, हम इस कौम के मेमार हैं, टीचर कौम के मेमार होते हैं। अगर हमारे साथ नाइंसाफी हुई, किसी ने आवाज नहीं उठाई, तो आप तवक्का ये रखिए आगे एक डार्क एज आने वाली है, कोई किसी का नहीं सुनेगा, ये कौम गर्क हो जाएगी। हम डायरेक्टर एजुकेशन से SED सेक्रेटरी साहब से गुजारिश करते हैं कि काइंडली इंटरवीन इनटू द मैटर, और अगर वो भी नहीं कर पाए तो हमारी सीधे सीधे गुजारिश है प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, काइंडली लुक इनटू द मैटर। वी आर सफरिंग सर, दे आर डूइंग व्हाइट कॉलर करप्शन इन दिस डिपार्टमेंट। थैंक यू। जैसा कि सर ने अभी भी बताया कि हमने एक प्रॉपर चैनल के थ्रू ट्रांसफर्स के लिए अप्लाई किया था, तो इसमें उसमें बहुत सारे ऑप्शंस थे, जैसे मेडिकल ग्राउंड था या रेगुलर या स्पाउस पोस्टिंग से रिलेटेड। तो मैं अभी 55 किलोमीटर से निकाल के आती हूँ ड्यूटी के लिए। तो अभी मैंने जब अप्लाई किया था तो मैंने स्पाउस पोस्टिंग पे मतलब वहाँ पे ऑप्शन दिया था, तो कल जब लिस्ट आया तो लिस्ट में मुझे और 10 किलोमीटर आगे, यानी कि 65 किलोमीटर। मेरा छोटा 3 साल का बच्चा, उसको लेकर मैं आती हूँ और वो बीमार है, जबकि मुझे उसके लिए ऑक्यूपेशनल और स्पीच थेरेपी भी चल रही है। तो वहाँ से आके मुझे और 10 किलोमीटर यानी कि मुझे 65 किलोमीटर क्रॉस करने हैं, तो फिर आके मुझे फिर से वापस जाना है 60। ये कहाँ का जस्ट, अगर आपने पहले ही ऑप्शंस दिए हैं तो फिर इस ऑप्शन का क्या मतलब। ATD को बिल्कुल भी इन्होंने टच ही नहीं किया है। मैं अभी जोन 2 में, मैंने पहले जोन 1 या जोन 3 में रखा था ऑप्शन, तो मुझे जोन 2 में ही क्यों वापस रखा गया, तो मुझे जोन 3 में क्यों नहीं रखा गया। तो इसमें जो है, और यहाँ पे इस लिस्ट में ये भी देखा गया है, एक टीचर को एक गली से उठा के दूसरी गली, कहाँ का जस्ट। और ये सारा जो है, सब में जो है सारा बच्चे सफर करेंगे, क्योंकि जब टीचर 65-70 वो कहाँ से टाइम पर पहुँचेगा स्कूल पे। तो इसमें सब जो है बच्चे सबसे ज्यादा सफर, प्लस हम भी बच्चे वाले हैं, हमें छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी को बच्चा बीमार है, किसी को घर में कुछ और प्रॉब्लम है, और 60-70 किलोमीटर निकाल के तो हम कहाँ से अपने बच्चों के साथ जस्टिस कर पाएंगे या स्कूल में अपनी ड्यूटीज के साथ जस्टिस कर पाएंगे।
मैं आपको बात एक बोलूंगा कि ये जो ट्रांसफर पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने अपनाई है, ये उसी ट्रांसफर पॉलिसी की एक कड़ी है कि हमने हर एक जो टीचर हमारा जिसका मैच्योर स्टे था उसको हमने एप्लीकेशंस ऑनलाइन कॉल की और जो पोर्टल पे उन्होंने खुद एप्लीकेशंस भरी वो हमारे कुछ 2100 के करीब एप्लीकेशंस रिसीव की और उसमें जो है उन्होंने खुद चॉइसेस दी थी वहाँ पर। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे टोटल एजुकेशनल जोन्स 18 हैं बारामूला में, बट ट्रांसफ़र पॉलिसी में ये 5 जोन बनाए गए, जोन फर्स्ट, जोन सेकंड, जोन थर्ड, जोन फोर्थ और जोन फिफ्थ। जोन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ की चॉइस दी गई पोर्टल पे, अगर वो कंटिन्यू वहाँ पर अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं तो वो यस कर सकते थे। वहाँ पर चाहे उनकी सर्विसेज 8 साल की थी, चाहे 6 साल की थी, चाहे 7 साल की थी, तो उनको वहीं पर कंटिन्यू करवाया गया। उसके बाद अब जिनकी भी ट्रांसफ़र हुई है, ये ट्रांसफ़र जो हुई है ये ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत हुई है और हमारे जो जून जो फर्स्ट आता है ये म्यूनसिपल कमेटी बारामूला में आता है और इसके अलावा जो है उसके बाद हमारा सेकंड जून है, थर्ड जून है, फोर्थ जून है। हमने कोशिश की कि सूटेबली हर एक को यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाए और उसकी कड़ी एक है कि आज हमने यहाँ पर 725 के करीब यहाँ पर ट्रांसफ़रें हुई हैं। ये फर्स्ट टाइम हुआ है तो इसमें इनिशियली जो इम्प्लीमेंट करने के लिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ये एक मेरे ख्याल में ये एम्प्लॉइज़ के हित में है क्योंकि पहले ट्रांसफ़र्स के लिए उनको किसी ऑफिस में जाना पड़ता था, किसी और जगह जाना पड़ता था, तो इस बार जो ट्रांसफ़र हुए हैं वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र हुई हैं। तो मेरे एक यही रिक्वेस्ट रहेगी सभी टीचर साहिबान से कि जहां पर भी उनकी अपनी न्यू पोस्टिंग्स हुई है वो उन न्यू पोस्टिंग्स पर ज्वाइन करें, वहां पर जाएं और उसके अलावा कोई भी ऐसा ये नहीं है, कोई भी ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा, ये उनको ज्वाइन करना पड़ेगा क्योंकि हमने जो भी इसमें ये लिया है ऑनलाइन में, जिसकी भी जो भी था, किसी ने अगर आप कोई मेडिकल ग्राउंड पर था, अगर उसने अपना मेडिकल ग्राउंड वहाँ पर भरा हुआ है ऑनलाइन में तो वो कंसीडर हुआ है। ऑफलाइन में कोई भी इसमें वक्त हमने कोई एप्लीकेशन, किसी का सर्टिफिकेट, किसी का मेडिकल बोर्ड ऑफलाइन में हमने कोई भी कंसीडर नहीं किया है। मेरे ख्याल में मेरी तरफ से एक यही मैसेज है कि जो भी टीचर साहिबान है यहाँ से आने से बेहतर है उनको कि वो अपने अपने स्कूल्स में जाकर ज्वाइन करें। हाँ, अगर किसी का ऐसा क्या हो सकता है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हुआ है, हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर 1-2% की कहीं गुंजाइश निकलती है तो हम उसका लिए देख लेंगे। बाकी अभी मैं एक मिसाल दे दूंगा कि हमारा जून फर्स्ट से एक टीचर ट्रांसफ़र हुआ है जून सेकंड में, और जून फर्स्ट से अगर सेकंड में ट्रांसफ़र हुआ है तो अब मैं उसको विद इन जून कहाँ रखूँ। वो भी यहाँ पर आपने देखा होगा बाहर वो भी पहुँचा है कि मुझे जून फर्स्ट से सेकंड में क्यों डाला है। अगर जून फर्स्ट से सेकंड में नहीं डालेंगे तो फिर कैसे डालेंगे, क्योंकि लोगों को इसका कंसेप्ट नहीं है। ट्रांसफर पॉलिसी में ऐसा है कि जून फर्स्ट का जून फर्स्ट में नहीं रह सकता है, जून सेकंड का जून सेकंड में नहीं रह सकता है, जून चेंज होना जरूरी है। अब जून जो ये पहले वाला जून जो है वो जून नहीं रहा, ये ट्रांसफर जून अलग से हैं और हमें इस पर हमने अच्छी तरीके से सोच समझ से काम किया है। हर एक अपने अपनी नई पोस्टिंग्स पे ज्वाइन करेंगे। थैंक यू आप लोगों।